सिवान जिले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के बिंदुसार बुजुर्ग के रहने वाले मोहम्मद सलीम का 25 वर्षीय पुत्र एवं राजद कार्यकर्ता मोहम्मद सदाम सराय ओपी थाना क्षेत्र इलाके कुंखई गांव के रहने वाले मित्र सुधाकर सिंह के पुत्र प्रीतम उर्फ गुड्डू के यहाँ तिलक समारोह में 3 रोज पहले शाम में पहुंचा था और उसके बाद वह वहां से गायब हो गया था, जिसके बाद पिपरा चौर में उसका शव तैरते हुए बरामद किया गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों और परिजनों के द्वारा बढ़िया और सिवान मुख्य मार्ग पर आगजनी कर घंटों जाम कर दिए गए। मृतक के भाई ने बताया कि हम लोग दौड़ते रह गए, कभी महादेवा ओपी थाना तो कभी सराय ओपी थाना, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकी और उसी की वजह से आज मेरे भाई की हत्या कर दी गई। भरोसा रखा जाए, बिल्कुल लोग एकदम परिवार के साथ न्याय करेंगे, भरोसा रखें। हम जा रहे हैं अपराधी को गिरफ्तारी करवाने के लिए, अपराधी आप हमको मदद नहीं कीजिएगा, आप तो बिल्कुल सब तहे दिल से हम लोग आपकी मदद करेंगे। सुनिए, जेसीबी चलाइए उसके घर पे, आप लोग से हम चलाइए उसको, अरेस्टिंग आप लोगों से हम यही सजा होना चाहिए, अपेक्षा करते हैं कि आप हमको सहयोग करें। तो सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए, एक लाइन का है, एसडीओ साहब हैं, हम डीएसपी जी जी, हम लोगों की थोड़ा सा तो बात भरोसा रखा जाए, बिल्कुल लोग एकदम परिवार के साथ न्याय करेंगे, भरोसा रखें। हम जा रहे हैं अपराधी को गिरफ्तारी करवाने के लिए, अपराधी आप हमको मदद नहीं कीजिएगा, आप तो बिल्कुल सब तहे दिल से हम लोग आपकी मदद करेंगे। सुनिए, जेसीबी चलाइए उसके घर पे, आप लोग से हम चलाइए उसको, अरेस्टिंग आप लोगों से हम यही सजा होना चाहिए, अपेक्षा करते हैं कि आप हमको सहयोग करें। इसके जब सामने नाम आ गया तो सर इसमें थोड़ी देर का सवाल कर लीजिए, नाम सामने आ गया तो सवाल कर लीजिए, हो जाए सहयोग करिए, हम नहीं अगर कुछ करते हैं नहीं, अगर अपना काम कर सब पर इतनी देर होता है, जब नाम सामने आ गया तो सवाल पैदा नहीं हो रहा है, वही चीज है, एफआईआर दर्ज हो गया, सब लोग को समझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है, नाम सामने आ गया सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि देर हो जाए। हाँ तो हम लोग करते हैं उसमें, और दूसरी बात है भी निवेदन है कि पोस्टमार्टम की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अनुसंधान के लिए भी जरूरी होता है। मामला है 21 तारीख को जो है उनको निमंत्रण पर सदाम जी को बुलाया गया और सिंगल बेचारे लड़का चले गए, एक लड़का और साथ में थे, और जाने के बाद वहाँ आर्केस्ट्रा और का प्रोग्राम शायद था, वहाँ भी तुतु में हुआ होगा, लड़के सब ने आर्केस्ट्रा देखने में तो हो जाए करता है, तो कोई पुरानी नई बात नहीं है, पुरानी बात, लेकिन इतनी कड़ी सजा दे देना यह लोकतंत्र का घोर अपमान है। वो लड़का का जो बयान था कि इनको जो है घसीट के मारा गया और मारने के बाद स्कॉर्पियो में लूट किया गया, जो काले रंग की कोई स्कॉर्पियो है उसमें लूट किया गया और उसके बाद उनको लेकर चला गया, वो लड़का भागते भागते आके यहाँ के लोगों को बताया, परिजन को, अपने पीड़ित परिवार को भी बताया और सारे समाज को भी बताया। उसके बाद भी जो आवेदन की मैटर है, आवेदन देने के लिए कई दिन तक ये लोग इधर उधर घूमते रहे, कोई भी इनको FIR लॉज नहीं किया, अंत में जाके कल जो है क्षेत्र में लोग, पीड़ित परिवार का कहना है कि क्षेत्र में जाके लोग FIR लॉज कराया, करीब कल 7-8 बजे की घटना है। मैंने, हमको भी सूचना मिला, मैं भी थाना प्रभारी से बात किया, उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में हैं, लेकिन FIR लॉज हो गया, क्या नाम है, वायरल हो गया, इसलिए थोड़ा कठिनाई।